নমস্কাৰ ধেমাজি জিলাৰ চিলাপথাৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বিশাল নিৰ্বাচনী সভা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ভুৱন পেগুৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক বিশাল সভাত কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফ দলক তীৱ সমালোচনা কৰি কেন্দ্ৰীয় আৰু অসম চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ কামৰ বিষয়ে সভাত উপস্থিত থকা হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজক অৱগত কৰে অমিত শ্বাহে ধেমাজি জিলাৰ চিলাপথাৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত খাহৰ বিশাল নিৰ্বাচনী সভা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী জোনাই সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ভৱন পেগুৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় অমিত শ্বাহে বিশাল সভাত কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফ দলক তীৱ সমালোচনা কৰি কেন্দ্ৰীয় আৰু অসম চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ কাম কাজৰ বিষয়ে সভাত উপস্থিত থকা হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজক অৱগত কৰে অমিত শ্বাহে নিৰ্বাচনী বিশাল সভাত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ইয়াৰ পিছতে মাজুলীৰ ফুলনিত ওদালগুৰিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব অমিত শ্বাহে এনেদৰে জিলাপথাৰত উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয় সভাত জোৰাই সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ভুৱন পেকুৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী এই বিশাল সভাত কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফ দলক তীৱ সমালোচনা কৰি কেন্দ্ৰীয় আৰু অসম চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ কাম কাজৰ বিষয়ে সভাত অৱগত কৰে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এটি বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ইয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টি মাজুলীৰ ফুলনিত এখন বিশাল সভা অংশগ্ৰহণ কৰিব তাৰপিছতে ওদালগুৰিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব অমিত খাহে राज्य विभिन्न प्रांत निर्वाचन प्रचार अब्हत राखी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेता मेरे साथ बोलिए भारत माता की क्यों भाई जोनाई वाले ऐसे बोलेंगे क्या विकसित आसाम बनाना है या नहीं बनाना है तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए विजय के संकल्प की मुट्ठी खींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की भारत माता की मंच पर उपस्थित आसाम के सम्माननीय मुख्यमंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री सर्वानंद सोनोवाल जी हमारे लखीमपुर के लोकप्रिय सांसद प्रदन बरुआ जी जिनको जिताने के लिए अपील करने के लिए मैं आया हूं ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक श्री भुवन पेगू जी भुवन यहां जाओ यहां जाओ साइड में हमारे प्रेम दत्ता जी महीनेश्वर जी गंगा पेंगू हिरेन कचारी जी परमानंद चारिंग जी और आज इस चिल-चिलाती धूप के अंदर ढाई घंटे से खुले सर पर बैठे हुए हजारों की संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों माताओं आपकी इस तपस्या को मैं दो हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूं मित्रों भीड़ देखकर ही मुझे आज विश्वास हो गया है कि आसाम में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है ये जोनाई क्षेत्र के अंदर इतनी चील चिलाती धूप में खुले सर आप लोग बैठे हो यही बताता है कि मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार आसाम विकास के रास्ते पर चल पड़ेगा मित्रों मैं आज यहां पर पांच साल पहले के आसाम की बात करने आया हूं पांच साल पहले दस साल तक कांग्रेस का शासन था किस प्रकार का आसाम था आंदोलन चल रहे थे गोलियां चल रही थी लोग मर रहे थे दिनों दिनों तक कर्फ्यू था आतंकवाद ने अपनी सीमाएं लांग दी थी सारे आतंकवादी आतंकवाद का नंगा नाच खेल रहे थे और आसाम में विकास का कहीं पर भी कहीं पर भी कोई नामो निशान नहीं था आपने मैं पार्टी का अध्यक्ष था आपको विनंती करने के लिए आया था कि एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए हमें पांच साल दीजिए हम आसाम को बदल देंगे माताओं बहनों भै, भाइयों आपने पांच साल दिया पांच साल के अंदर आज आसाम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है मुझे बताइए पांच साल में एक भी आंदोलन हुआ है क्या जोर से बोलिए हुआ है क्या कोई गोली से मरता है क्या आतंकवाद होता है क्या इसका मतलब साफ है जब कांग्रेस आती है अशांति आती है और भाजपा आती है विकास आता है आपको आतंकवाद चाहिए या विकास चाहिए इसका चुनाव करने का ये चुनाव है ये चुनाव किसी है? विधायक को चुनने का नहीं है किसी मुख्यमंत्री को चुनने का नहीं है आसाम के भविष्य को संवारने का चुनाव है और मित्रों मैं आज आपको बताने आया हूं हमने पांच साल में आसाम का विकास तो किया ही किया मगर साथ साथ आसाम के गौरव को भी आगे बढ़ाने का काम किया है कांग्रेस पार्टी पंद्रह साल तक यहां से सरदार मनमोहन सिंह सांसद बनकर गए दस साल तक कांग्रेस की सरकार चली मगर भूपेन हजारिका को भारत रत्न नहीं मिलता था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भूपेन्द्र को भारत रत्न देने का काम किया और विकास के मामले में मोदी जी का कोई स्पर्धा नहीं कर सकता सिर्फ यही बजट के अंदर आसाम के लिए तेरेपन हजार करोड़ रुपए का काम मोदी जी ने घोषित किया है मित्रों तेरेपन हजार करोड़ रुपए और मैं आपको बताता हूं ब्रह्मपुत्र नदी पर छह नए ब्रिज बनाए तेल के क्षेत्रों के विकास के लिए छियालीस हजार करोड़ रुपया दिया गुवाहाटी पर नवा हवाई अड्डा बन रहा है जोरहाट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बन रहा है टीहू में फूड पार्क बन रहा है जोगी दोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है इसके साथ साथ गोगा मुख में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र बन रहा है और अभी अभी इस सर्वानंद जी की उपस्थिति में प्रधानमंत्री जी ने एक लाख छह हजार लोगों को जमीन का पट्टा देकर उसका अधिकार देने का काम किया है गैस की रॉयल्टी का आठ हजार करोड़ रुपया इतने सालों से बकाया था कभी नहीं देता था मगर भाजपा की सरकार बनी तीन ही महीने में सर्वानंद जी केंद्रीय मंत्री थे उसको हमने आठ हजार करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मित्रों के विकास के लिए भी ढेर सारा काम किया है अग्निशमन फायर ब्रिगेड और आपातकालीन सेवा स्टेशनों का, का निर्माण पूरा हो गया है धोमा में ट्रांसफॉर्मर क्षमता जो 24 घंटा बिजली पहुंचाएगी उसका विस्तार किया गया है पैतालीस करोड़ रुपया की लागत से दोमाजी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनने की बात शुरू हो गई है जिससे हमारे बच्चे इंजीनियर बनकर यहीं पर यहीं पर आपकी सेवा करते करते अपना रोजगार प्राप्त कर सकेंगे मुख्यमंत्री जी ने विशेष पैकेज के तहत मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट बनाया है जिससे मेरी माता है एक गाय और एक भैंस पालकर पूरा घर का खर्चा उठा पाए इस प्रकार की कड़ी धोमा दो, जी में टाउन वाटर सप्लाई स्कीम इतने सालों से नहीं हो रही थी हमारे विधायक भुवन ने बड़ा जोर लगाकर वाटर सप्लाई स्कीम को मंजूर कराकर हर घर में पानी पहुंचे इसकी व्यवस्था की है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी दोमाजी में ही लाए हैं ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का काम किया है और 25 ब्रॉडबैंड से जुड़ी हुई पंचायतें आज काम भी शुरू कर दिया है लगभग सतहत्तर हजार घरों में सिर्फ दोमाजी में सतहत्तर हजार घरों में टॉयलेट बनाने का काम शौचालय बनाने का काम पूरा कर दिया है और चौबीस हजार गरीबों को दोमाजी में चौबीस हजार गरीबों को घर देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया है उन हजार माताओं को गैस का सिलेंडर दिया है चालीस हजार लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है मैं तो भूबेन को कहता हूं भैया विधायक रहते हुए इतना काम कैसे करा लेते हो हमें भी जरा सिखाओ तो हमारे क्षेत्र में हमारा भी हो जाएगा और मित्रों भारतीय जनता पार्टी ऐसी प्रत्याशी को फिर से लेकर आई है जिसको आपने जिता गोवा गुवाहाटी में भेजना है और एक और मोदी जी ने असम का इतना विकास किया सर्वानंद हेमंत शर्मा ने आसाम को आंदोलन मुक्त बनाया आतंकवाद मुक्त बनाया सभी जनजातियों को जोड़ने का काम किया सबकी संस्कृति की रक्षा करने का काम किया सबके साहित्य की रक्षा करने का काम किया और दूसरी ओर कांग्रेस अजमल के साथ आ रही है अजमल के साथ ये कांग्रेस पार्टी अपनी गोदी में बदरुद्दीन अजमल को बिठाकर आई है मुझे बताओ भैया भगवान न करे इनके हाथ में सत्ता रह गई तो ये पूरी घुसपेट बेरोक टोक चलेगी मुझे बताओ वाले बताए जरा आप घुसपेट ये चाहते हो क्या जोर से बोलो चाहते हो क्या आसाम में घुसपैठ रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए आसाम से घुटपेटी को निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए ये राहुल गांधी आए थे मैं आज यहां से राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से पूछना चाहता हूं एक और आप आसाम की अस्मिता की बात करते हैं और दूसरी ओर ये आधुनिक काला पहाड़ काला पहाड़ जानते हो ना ये आधुनिक काला पहाड़ बद्रुद्दीन अजमल को लेकर चलते हो कैसे आसाम की अस्मिता की रक्षा करोगे भाई बताओ तो बद्रुद्दीन अजमल अगर सत्ता में आया तो घुसपेट रुक सकती है भाई रुक सकती है क्या रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए क्या फिर से हम घुसपेट का फ्लो चालू कराना चाहते ये कांग्रेस पार्टियों को सर मानी चाहिए बजरुद्दीन अजमल के साथ आते हुए मित्रों हम असमिया और मिसिंग गौरव का सम्मान करते हैं मिसिंग जाति यहां पर बहुत बड़ी संख्या और हम वो पहले उपेक्षित थी मैं आज आपको वादा करता हूँ यहां से मैं सर्वानंद के वहां भी जा रहा हूँ सर्वानंद जी के वहां भी मिसिंग जाति बहुत बड़ी संख्या में रहती है मिसिंग जाति वाले चिंता न करें आपके विकास के लिए एक अलग बोर्ड बनाने का नई सरकार बनेगी तो हम आपको वादा करते हैं मित्र कांग्रेस की नीति है कांग्रेस की नीति है भेद करो झगड़ाओ तोड़ो और राज करो भाजपा की नीति है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मोदी जी के नेतृत्व में सभी छोटी छोटी जनजातियों को जोड़कर उनका विकास करकर समग्र आसाम का विकास करना ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है इन्होंने आसामियों और बंगालियों को झगड़ाया इन्होंने प्लेंस और हिल्स के बीच में झगड़ा कराया इन्होंने अपर आसाम और लोअर आसाम के बीच में झगड़ा कराया पांच साल में हमने पांच ब्रिज बनाकर दोनों आसाम को साथ में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया 2000 से ज्यादा 2000 से ज्यादा उग्रवादियों ने शांति का रास्ता चुना है और बोडोलैंड जो समस्या इतने सालों से आसाम को चैन से सोने नहीं देती थी बोडो समझौता कर कर आज लैंड में से आतंकवाद को हमेशा के लिए समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया मित्रों हम बम धमाके घुसपैठ और आतंकवाद में विश्वास नहीं करते मोदी जी ने हर घर में शौचालय पहुंचा हर घर में बिजली पहुंचाई हर घर में साफ पीने का पानी पहुंचा है पांच लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा आपका मोदी जी चुका रहे हैं और इसलिए प्रधानमंत्री आरोग्य आयुष्मान भारत योजना लेकर आए हैं और मोदी जी आसाम को अभी भी आगे बढ़ाना चाहते हैं मित्रों मैं आज आपको एक बार कहना चाहता हूं और ये कांग्रेस तीन बार चुन कर रही है पंद्रह साल मगर मिसिंग स्वायत्त परिषद उसका गठन किया था क्या बताओ भैया किया था क्या भारतीय जनता पार्टी ने पांच ही साल में मिसिंग स्वायत्त परिषद का गठन कर सम्मान देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया मित्रों अब अगला एजेंडा हमारा ये आसाम के अंदर जो क्षेत्र के अंदर बाढ़